जानना काफ़ी नहीं है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ ख्वाहिश रखना काफ़ी नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता, इसलिए सिर्फ बहते रहो। हालात चाहे जैसे हों, मैं खुद मौके पैदा करता हूँ। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। इजाफी कोशिश करने को अपनी रोज़मर्रा की आदत का हिस्सा बना लें। अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, वक्त ही ज़िंदगी है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, खुद को ज़ाहिर करें, अपने आप पर यकीन रखें, ना कि किसी और कामयाब शख्सियत को देखकर उसकी नकल करें। एक आसान ज़िंदगी के लिए दुआ मत करो, बल्कि ज़िंदगी में मुश्किलात को बर्दाश्त करने की ताकत के लिए दुआ करो। आज का सबसे मुश्किल काम कल की तैयारी करना है। दूसरों के लिए जीना ही हकीकी जीना है। अगर तुम कल फिसलना नहीं चाहते तो आज ही सच बोल दो। जितना एक बेवकूफ़ आदमी किसी अकलमंदी भरे जवाब से नहीं सीखता, इससे ज़्यादा एक अकलमंद एक अहमकाना सवाल से सीख सकता है। जितनी ज़्यादा अहमियत हम चीज़ों को देंगे, उतनी ही कम कदर हम खुद की करेंगे। दिखावा करना किसी बेवकूफ़ का अपनी अहमियत को ज़ाहिर करने का तरीका है। इल्म आपको ताकत देता है, लेकिन किरदार आपको इज्जत देता है। खुश रहें, लेकिन कभी मुतमईन ना हो। लाफानी बनने की कुंजी ये है कि तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो जो हमेशा याद रखी जाए। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे रोशनी कभी नहीं मिलेगी जब तक शमा की तरह मैं अपना ईंधन खुद ना बनूं। असूलों का पाबंद हुए बगैर असूलों की पाबंदी करें। शिकस्त दिमाग की हालत है, किसी को उस वक्त तक शिकस्त नहीं होती जब तक शिकस्त को हकीकत के तौर पर तस्लीम ना कर लिया जाए। सबसे ख़तरनाक इंसान वो है जो सुनता है, सोचता है और मुशाहिदा करता है। ज़िंदगी वसी लामहदूद है, ना कोई सरहद है ना कोई रुकावट। सिर्फ खुद कफील तन्हा खड़े हैं। ज़्यादातर लोग भीड़ की पैरवी करते हैं और नकल करते हैं। आप जो आदतन सोचते हैं वो बड़ी हद तक इस बात का तय्यन करता है कि आप आखिरकार क्या बनेंगे। असल बात ये नहीं है जो आप देते हैं, असल वो तरीका है जिससे आप देते हैं। लंबे अरसे की मुस्तकिल मिजाजी कम अरसे की शिद्दत को पीछे छोड़ देती है।